अरे कौमों के टुकड़े जो करने में लगे रहते हैं, जिंदाबाद जसा कल्ला। अरे कौमों के टुकड़े जो करने में लगे रहते हैं, ऐसे लोगों को ना मिंबर पे बिठाया। एक तो मौलाना हैदर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत उम्दा शायरी और यकीनन खिताबत भी उम्दा होगी। यह फैसला मुश्किल है कि खिताबत ज़्यादा उम्दा करते हैं या शायरी ज़्यादा उम्दा करते हैं, इसलिए कि शायरी में खिताबत का आहंग बोल रहा था। और यह फख्र की बात है आपकी सरजमीन के लिए कि ऐसी ऐसी शख्सियतें आपके पास मौजूद हैं, ऐसे ऐसे जौहर आपके पास मौजूद हैं, और यही नहीं बल्कि उन खिताबतों के वारिस यहाँ मौजूद हैं। हसन मिजाज मौजूद हैं, अली मिजाज मौजूद हैं, तो ये सब अबू ज़र मिजाज हैं और खंबर दिमाग लोग हैं और उस तरह से सोचते हैं। और इस वक्त जो खिताबत के ताजमहल मेरे पास आए हैं, मैं क्या अर्ज करूं इनके लिए, चाहे मौलाना फजलपुर अब्बास साहब हों, चाहे मौलाना इलियास साहब हों, जफर साहब हों, हैदर हों और हैदर साहब हों, और सबके बारे में गुफ्तगू करता रहा। दो मिसरा पढ़ने का जी चाह रहा है, दो मिसरे के साहब, जो रुक नहीं सकता है वो दरिया है खिताबत, जो रुक नहीं सकता है वो दरिया है खिताबत, अकबर तेरी खैरात पे जिंदा है खिताबत, जो रुक नहीं सकता अकबर तेरी खैरात पे जिंदा है खिताबत। तो ये अजान का लहजा हमें जो खैरात में मिला है हजरत अली अकबर से, वही हमारी खिताबत है। जनाब शबरोज साहब तशरीफ ले आ रहे हैं, जनाब रेहान साहब तशरीफ ले आ रहे हैं, इन दोनों के लिए एक बार बुलंद तरीन सलवात पेश कर दें आप हजरात। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाले। लश्कर शब्बीर में मेरा मोहम्मद भी लड़े, इसलिए अल्लाह ने अकबर को पैदा कर दिया। थोड़ी थोड़ी सी जगह बना दीजिए, इस वक्त सबके दिलों में जगह बहुत है, लेकिन ये चित्तौड़ा के इमाम बारगाह अंसारियान में इस वक्त जगह कम पड़ गई। देख रहे हैं, लग रहा है कि सब बेचैन चले आ रहे हों। मुजफ्फरनगर की गलियां दोपहर से ही सुनसान हो गई थी। हर महल्ले में जाइए, मैं जब संभलेड़े में गया, मुझेड़ा में गया, जानसड़ में गया, मालूम हुआ बस्ती की बस्ती कहाँ गई है। चितौड़ा चलो, चितौड़ा चलो, चितौड़ा चलो, तो मालूम हुआ आज शहर की गलियों में सन्नाटा है, पूरा मजमा चितौड़ा आ चुका है, सबका इस्तकबाल है। नशे नशीन पे जगह मिल रही है, न सामीन में जगह मिल रही है। अच्छा, ये तो चेहरे हैं, और इन्हीं चेहरों में फरिश्ते नजर आ रहे हैं, जन्नत वाले नजर आ रहे हैं, 1,25,000 अंबिया नजर आ रहे हैं। हजरत अली अकबर का जश्न है, मुबारकबाद देने के लिए कहीं आदम तशरीफ रखते हैं, कहीं नूह तशरीफ रखते हैं, कहीं मूसा तशरीफ रखते हैं, कहीं 14 मासूमीन तशरीफ रखते हैं। ये जश्न है अजीजो, आइए इस मुबारकबाद के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जश्न आगे बढ़ रहा है, क्या उम्दा मिसरा कहा कि इस वास्ते के इसलिए अल्लाह ने अकबर को पैदा कर दिया। चार मिसरे मैं पेश करना चाहता हूँ। खुशबू तेरे वजूद की, खुशबू तेरे वजूद की यूं मुझको रास है, खुशबू तेरे वजूद की तो मुझको रास है, गरचे तेरी महक भी मेरे आस पास है। अकबर का रूप धार के आने का शुक्रिया, खुशबू तेरे वजूद की यूं मुझको रास थी, गरचे तेरी महक भी मेरे आस पास थी। देखिए नवासा इमाम हुसैन हजरत अली अकबर को गोद में लेके से लेके सामईन तक, अब यह मैं शेर पेश कर रहा हूं, जिसका इस्तकबाल करना हो कर लीजिए, हार पहनाना हो पहना लीजिए। कई मिसरे कुर्बान कर चुका हूं, अब मैं एक मिसरा जाया नहीं होने देना चाहता। खुशबू तेरे वजूद की हां मुझको रास थी, यूं करचे महक तेरी भी मेरे आस पास थी। नाना का रूप धार के आने का शुक्रिया, नाना बहुत दिनों से तबीयत उदास थी। हैदर, हैदर, खुशबू तेरे वजूद की बस मुझको रास थी, खुशबू तेरे वजूद की बस मुझको रास थी, गरचे महक भी तेरी मेरे आस पास थी।
देखिए नाना और नवासे की गुफ्तगू है, क्या इश्क था नाना और नवासे में। नाना कभी कांधों पे लेके चलता, कभी सजदे में जाता तो नवासा पुष्ट पे आता, कभी साहिबे मेराज को नमाज की मेराज में हासिले मेराज मिल जाता। और जो दुश्मन थे कोहनिया मार मार के देखते थे, क्या चेहरा है, क्या आंखें हैं, क्या नवासा है, क्या हुस्न है, क्या इश्क है, क्या प्यार है, क्या नबूवत है, क्या इमामत है, क्या घराना है, क्या सलीका है, क्या नशिस्त है, क्या बर्खास्त है। नाना नवासे की वो मोहब्बत। और जब अली अकबर को गोद में लिया तो बरसों के तहज्जुद को नतीजा मिला, उम्र भर के नफिल को सला मिला, जिंदगी की मुनाजात की फरात एक फूल में सिमट आई। जिंदगी भर की मुनाजातों की फरात अली अकबर के हसीन फूल में सिमट आई। उस चेहरे को देख के हुसैन ने आगोश में लेके, कभी नाना नवासे को गोद में ले रहा था, आज नवासा नाना का बचपना गोद में लेके शेर पढ़ रहा है। खुशबू तेरे वजूद की इस दिल को रास थी, गर्चे महक भी तेरी मेरे आसपास थी। ए मेरे नाना, अकबर का रूप धार के आने का शुक्रिया, अकबर का रूप धार के आने का शुक्रिया। नाना बहुत दिनों से तबीयत उदास थी, नाना बहुत दिनों से तबीयत उदास थी। और फिर दरिया ने भी ऐसा कई को दियों को समंदर नहीं देखा, क्या उमदा मिसरे पड़े हैं। हजरत अब्बास के हवाले से मैंने जब से महफिल शुरू हुई है, हजरत अली अकबर का रिश्ता हजरत फातिमा बिनते असद से, बीबी खदीजा से, जनाब जैनब से, रसूल अल्लाह से, इमाम हुसैन से जोड़ा। अब आइए नाना और नवासे के बाद में इस सिलसिले को जरा चचा भतीजे से भी जोड़ा जाए, उस्ताद और शागिर्द से भी जोड़ा जाए। कसम खुदा की जब चचा भतीजे मदीने की जमीन पे चलते थे तो आसमान पे चांद सूरज की जरूरत ही नहीं रह जाती थी, या तो एक आफताब होता था, एक महताब होता था, एक अब्बास होते थे, एक अली अकबर होते थे, दोनों बराबर से चलते थे, हुस्न के दो चांद मदीने की आगोश में थे। और जब ये चलते थे तो शान देखिए, मैं चार मिसरे उस्ताद कमर जलालवी के पेश करना चाहता हूँ। आपके इलाके से थोड़ा सा जलाली अलीगढ़ की तरफ चलता हूँ, ये जो मगरिब की सरजमीन है, इसने क्या क्या दिया है, कितने जौहर दिए हैं। आज जी चाहेगा तो आज वो सब खुदा ने उड़ेलने की कोशिश करूंगा। यहाँ से निकल के ओलामा ने जो शायरी की है, कैसर बारवी ने जो शायरी की है, कमर जलालवी ने जो शायरी की है, वहां जाके सैफ जुल्फी ने जो शायरी की है, हिजरतों के उधर इस सरजमीन ने जैसे जैसे जौहर और नगीने दिए हैं, उसमें से चार मिसरे आज उस्ताद कमर जलालवी के पेश करने का जी चाह रहा है। हजरत अब्बास के हवाले से चितौड़ा वालों महफिल शुरू की जाए, नारे हैदरी। सुनो फैजान साहब, शम्स तबरेज भी आ गया इस वक्त, हमारे हिंदुस्तान का वो शम्स तबरेज। न मोहब्बत न मवद्दत, आइए तशरीफ ला रहा है। नारे हैदरी, आइए शम्स तबरेज। हमारी कौम के चाहे वो 70 साल की उम्र के बुजुर्ग हों और चाहे वो 7 साल के बच्चे हों, सबके हाफिजे का हिस्सा बनने वाला शायर शम्स तबरेज हमारे दरमियान मौजूद है। मैं मिसरे पेश करना चाहता हूँ हजरत अली अकबर के हवाले से। भाई अभी मैंने मिसरे पढ़े, अकबर का रूप धार के आने का शुक्रिया, अकबर का रूप धार के आने का शुक्रिया। नाना बहुत दिनों से तबीयत उदास थी, ये इस्तकबाल का मरहला हो जाए ठीक है, जश्न बड़े इत्मीनान से होना है और निजामत भी बड़े इत्मीनान से होनी है। हसन मिजाज और अली मिजाज ने मुझसे पहले ही से कह दिया था कि निजामत में घबराने का कोई काम नहीं होना है। सुबह मेरी फ्लाइट इन्होंने कल दोपहर की करा रखी है, तो मैं तो मगरिब मैं नमाज सुबह के बाद भी अगर हुआ तो मैं इंशाल्लाह निजामत करूंगा। आप बिल्कुल परेशान ना हो, मिसरे पेश कर रहा हूं। इजाजत है सरकार, बहुत पानी पेश किया जा रहा है, बहुत बैत पेश किए जा रहे हैं, बड़े गुलदस्ते पेश किए जा रहे हैं, बड़े हार पेश किए जा रहे हैं। सरकार निजामत भी बहुत प्यासी है, थोड़ा सा सुन लीजिए तो मेरी प्यास बुझ जाएगी। चार मिसरे, मैं आपसे पानी की बोतलें नहीं मांग रहा हूँ, फूलों के हार नहीं मांग रहा हूँ, थोड़ी सी समातों की तवज्जो मांग रहा हूँ। चार मिसरे यहाँ से जश्न शुरू करना चाहता हूँ। जले किनारे रवानी में आग लग जाए, उस्ताद कमर जलालवी ने मुजफ्फरनगर के लहजे में ये मिसरे कहे हैं। मुजफ्फरनगर के लहजे को शायरी बना रहे हैं उस्ताद कमर जलालवी, कोई मामूली आदमी नहीं है।
सरहद के उस पार नाम नहीं लिया जाता, सिर्फ उस्ताद कहा जाता है। मैं मिसरे पेश कर रहा हूं, जले किनारे रवानी में आग लग जाए, आतश के लफ्जो मानी में आग लग जाए। सुनिएगा भाई, रसाई अदब थोड़ा बहुत मुताला किया इस तालिबे ने, अगर रसाई अदब में कुछ अलग का ख्याल हो तो दाद मुझे दीजिएगा, सलाम उस्ताद की रूह को कीजिएगा। सुनो अली मदाद, आतश के लफ्जो मानी में आग लग जाए, जले किनारे रवानी में आग लग जाए। जलाल ऐसा है अब्बास का कि दरिया में, जलाल ऐसा है अब्बास का कि दरिया में गिरे पसीना तो पानी में आग लग जाए। आतश उस्ताद का हक है भाई, ये उस्ताद ही कह सकता है, क्या उस्ताद ही है मिस्रों में। आतश के लफ्जो मानी में आग लग जाए, आतश के लफ्जो मानी में। चितौड़ा आजादारी डॉट कॉम पूरी दुनिया से दादो तहसीन के दस्तखत आपके कैमरे पे मुरतब होने चाहिए। मिसरे पेश कर रहा हूं, आतश के लफ्जो मानी में आग लग जाए, जले किनारे, जले किनारे रवानी में आग लग जाए, जले किनारे, जले किनारे, जले किनारे रवानी में आग लग जाए। एक तरफ तराई है, एक तरफ दरिया की मौजें हैं, दोनों को शायर मुखातिब कर रहा है। जले किनारे रवानी को आग लग जाए, आतश के लफ्जो मानी में आग लग जाए, जले किनारे रवानी में आग लग जाए। जलाल ऐसा है अब्बास का, जलाल ऐसा है अब्बास का, जलाल ऐसा है अब्बास का कि दरिया में गिरे पसीना तो पानी में आग। जलाल ऐसा है अब्बास का कि दरिया में गिरे पसीना तो पानी में आग लग जाए। अब आइए से मैं यहाँ से सिलसिला शुरू करता हूँ। शिकारपुर की सरजमीन, जिसने कुरान लिखा और फरमान भी ऐसा लिखा कि फरमान साहब ने फरमान इलाही को अरमान इंसानियत बना दिया, इतना खूबसूरत तर्जुमा किया। उस सरजमीन की तरफ चलते हैं, जनाब जौहर शिकारपुरी साहब तशरीफ ला रहे हैं। नारे हैदरी। कहा हुसैन अकबर मेरे करीब आओ, कहा हुसैन अकबर मेरे करीब आओ, गले से लग के मुझे इत्मीनान दो अकबर, गले से लग के मुझे इत्मीनान दो अकबर। रुका न जाए यजीदों में हुर से पल भर भी, कुछ ऐसे लहजे के अंदर अजान दो अकबर, अजान दो अजान दो अकबर। रुका न जाए यजीदों में हुर से पल भर भी, कुछ ऐसे लहजे के अंदर अजान दो अकबर, कुछ ऐसे लहजे के अंदर अजान दो अकबर। ये भी चार मिसरे बतौर खास, असर हुसैन के खून का दिखा गए असगर, असर हुसैन के खून का दिखा गए असगर, जहां था रोना वहां मुस्कुरा गए,
जहाँ था रोना वहाँ मुस्कुरा गए असगर बतौर खास जो बन के आया था सरदार पूरे लश्कर का सुरमला को खिलौना बना गए असगर गए उसरमला जो बन के आया था सरदार पूरे लश्कर का उसरमला को खिलौना बना गए अस गए उसरमला को खिलौना बना बतौर खास और थोड़ा जल्दी जल्दी उस मला को खिलौना बना गए असगरे जो बन के आया था सरदार पूरे लश्कर का उस मला को खिलौना बना गए असगरे सुरमला को खिलौना बना गए जज़ाकल्ला चार मिसरे यहीं से चार मिसरे सुरमला को खिलौना बना गए असगर बतौर खास चारों मिसरे कभी गुलों कभी खारों में की सनाए अली कभी गुलों कभी खारों में की सनाए अली खिजा में और बहारों में की सनाए अली हजारों लाखों करोड़ों सलाम उम्मी सम पर जुबा कटी तो इशारों में की सनाए हजारों लाखों करोड़ों सलाम उम्मी सम पर जुबां कटी तो इशारों में की सनाए अली जुबां कटी तो इशारों में की सनाए अली बाबा ज़ुबल नारे सलवात एक मतला चंद अशआर पेश करता हूँ समाप्त करें हजरत अपनी तकदीर को इस तरह बनाया जाए बतौर अपनी तकदीर को इस तरह बनाया जाए अरे सरदारे आले मोहम्मद पे झुकाया जाए सरदारे आले मोहम्मद पे झुकाया जाए जिसने दरवाजा जलाया था नबी जादी का जिसने दरवाजा जलाया था नबी जादी का उसका पुतला सर मैदान जलाया जाए उसका पुतला मैदान जलाया जाए उसका पुतला जिसने दरवाजा
जलाया था नबी जादी का, उसका पुतला सर में दान जलाया जाए, उसका पुतला सर मैदान जलाया जाए। जब झुकाने की तुम्हें बात करे ये दुनिया, पतोर खास दूसरा मिसरा, जब झुकाने की तुम्हें बात करे ये दुनिया, अरे परचम हजरत आबास उठाया जाए, परचम अब्बास उठाया जाए। जब झुकाने की तुम्हें बात करे ये दुनिया, परचम हजरत अब्बास उठाया जाए, परचमे हजरत अब्बास उठाया जाए। बतौर का शेर, हक जहरा के लुटेरों पहो लानत यूं भी, क्यों हक जहरा के लुटेरों पहो लानत यूं भी, अरे ताके दुनिया में कोई हक न दबाया ताकि दुनिया में कोई हक ना दबाया जाए, ताकि दुनिया में कोई हक ना दबाया जाए। हक जहरा के ताकि दुनिया में कोई हक ना दबाया जाए। अरे कौम के टुकड़े जो करने में लगे रहते हैं, जिंदाबाद जज़ाकअल्लाह। अरे कौम के टुकड़े जो करने में लगे रहते हैं, कौम के टुकड़े जो करने में लगे रहते हैं, ऐसे लोगों को न मिंबर पे बिठाया जाए, ऐसे लोगों मिंबर पे आए। कौम के टुकड़े जो करने में लगे रहते हैं, ऐसे लोगों को न मिंबर पे बिठाया।
मिंबर पे बिठाया जाए, ऐसे लोगों को ना मिंबर पे बिठाया जाए। बतौर खास शेर पेश करता हूँ, शुक्रिया हाथों की खिलकत का अदा हो ऐसे, बतौर खास शुक्रिया हाथों की खिलकत का अदा हो ऐसे, अरे इनको शबीर के मातम मौतों ने उठा जाए, शुक्रिया हाथों की खिलकत का अदा हो ऐसे, इनको शबीर के मातम में उठाया जाए, इनको शबीर के मातम में उठाया जाए। ये भी शेर शायद किसी लायक हो, हुर को सीने से लगा कर ये बताया शहने, बतौर खास हुर को सीने से लगा कर ये बताया शहने, अपने दुश्मन की खताओं को भुलाया अपने दुश्मन की खताओं को भुलाया जाए, अपने दुश्मन की खताओं को भुलाया जाए, मुस्कुराते हुए आबिद को अगर देखना है, मुस्कुराते उर्मला का जरा सर काट के लाया जाए, रब को रब की मर्जी है के ये काम नहीं रुक सकता। दूसरा मिसरा शायद किसी लायक हो, रब की मर्जी है के ये काम नहीं रुक सकता, और उनकी ये उनकी ये जिद है मोहर्रम ना बनाया जाए। इस सिलसिले का आखिरी शेर पेश करता हूँ कि फर्श मजलिस का हर एक लम्हा बिछाओ लेकिन, दूसरा मिसरा, फर्श मजलिस का हर एक लम्हा बिछाओ लेकिन, अरे पंजे गाना तो मुसल्ला भी बिछाया जाए, पंजे गाना तो मुसल्ला भी बिछाया जाए। एक शेर और याद आ गया, बतौर खास शेर के, फातिमा जहरा की तरह करो लोगों की मदद, बतौर खास शेर पेश करता हूँ, फातिमा जहरा की तरह करो लोगों की मदद, अरे क्या जरूरी है के एहसास
जाए। क्या जरूरी है कि एहसान जताया जाए। काश जौहर ये खुदा मुझसे कहे महशर में, काश जौहर ये खुदा मुझसे कहे महशर में, फिर कसीदा कोई है दर का सुना जाए, फिर कसीदा कौम के टुकड़े जो करने में लगे रहते हैं, कौम के टुकड़े जो करने में लगे रहते, कौम के टुकड़े जो करने में लगे रहते हैं, मेरी तरफ देखें, कौम के टुकड़े जो करने में लगे रहते हैं, ऐसे लोगों को न मिंबर पे बिठाया जाए।